फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर का ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हस्बैंड का ऑफ था, घर पे थे। ऑफ नहीं मतलब कई जगह का साइड ना 2 अक्टूबर के कारण ऑफ था, इस वजह से खुद भी घर पे थे। बस यहाँ पे ट्राईपॉड में फोन लगा हुआ था और उनको नहीं पता था कि कैमरे में मैं शूट हो रहा हूँ। मैं बर्तन वॉश कर रही थी और साथ साथ में हेडफोन पे बात भी कर रही थी। हेडफोन लगाई हुई हूँ तो मैं कॉल पे बात भी कर रही थी। और मार्केट गए थे, जस्ट मार्केट से आए भी हैं। घर पे कुछ कुछ नहीं था तो वही पास वाले शॉप से लेके, यानी कि वेजिटेबल लेने गए थे, स्पेशली गोभी। और फिर मैं बताई हूँ कि कैमरा लगा हुआ है और आप रिकॉर्ड हो रहे हो बनियाइन में, तो भी आए हैं कैमरा के सामने, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोली हूँ कुछ देर के बाद अपना टी शर्ट पहन लो, लेकिन गर्मी अभी बहुत है ना, तो मेरे बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और वो लगे हुए हैं, लाए हैं गोभी और गोभी का भुजिया बनाने के लिए और दाल चावल। मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ तब तक दाल वाल निकाल ली है। तो मेरे हस्बैंड को ना फ्रेंड्स कुकिंग करना पसंद है, मौका अगर मिले तो वो मेरे को ही बना के खाना खिला दे, ऐसा वाला हाल है। ये देखिए जस्ट मेरे पीछे लगे हैं और ये देखिए मेरे लिए ना ढेर सारा केक का पैकेट लाए हैं और साथ में मुझे बोल रहे हैं सारा तो अब खा जाओगे। मुझे पता नहीं था, मैं अचानक से देखी ना तो खूब खुश हो गई। खुश होती हूँ तो मैं कुछ फेस का ऐसे ही एक्सप्रेशन बनाती रहती हूँ। यहाँ से कुछ स्पैचुला वगैरह निकाल रहे हैं और जस्ट यहीं पे कैमरा फिट था, तो बस मैं अपना केक देख के काफी ज्यादा हैप्पी हो गई। क्योंकि मेडिसिन खा रही हूँ ना तो मुंह में ना थोड़ा सा कड़वा कड़वा लगता है कुछ कुछ, मतलब बीच बीच में, क्योंकि ऐसे आदत नहीं था ना इतना मेडिसिन खाने का, इस वजह से। तो मैं बोल रही थी बिस्किट भी अभी खत्म हो गया, राशन लाना है, राशन लाए नहीं है इसलिए कुछ ना कुछ तो खत्म हो ही गया है। तो बस वही केक देख के मैं खुश हो गई। कुछ देर के बाद आके मैं किचन में ये क्लिप ली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बनियाइन पहने थे ना तो फिर मैं आगे और रिकॉर्ड नहीं करी। ये हस्बैंड ही मेरे बना रहे हैं गोभी आलू का भुजिया और कुछ गोभी का साइज ऐसे ही रखते हैं और ढेर सारे ऑयल में वो फ्राई करते हैं, उनको वैसे ही पसंद है। और मैं रहती हूँ ना किचन में तो डिस्टर्ब होते हैं, ताकि मैं किसी चीज के लिए टोकूंगी ना किचन में, ये मत करो वो मत करो। दूध फट गया था फ्रेंड्स तो इसका मैं पनीर बनाई थी, तो फ्रीजर से निकाल के रखी हूँ। सो फ्रेंड्स हम लोग खाना खा लिए, दाल था फ्रिज में वो दाल लिए, भुजिया बन गया देखो, तो ये भुजिया लिए और खाना खा लिए, पनीर में रख दी, अब मैं रात में बनाऊंगी खाना खा लिए तो। और ये देखो सारा दवाई निकाल के रखी हूँ, दिखाती हूँ, जा रही हूँ दवाई खाने। ये है मेरा फ्रेंड्स दवाई, खाने में ना देर हो रहा था इसलिए खाना खा ली फटाक से, अब दवाई खा रही हूँ, अब पनीर का सब्जी रात में बनाऊंगी। फ्रेंड्स हम लोग अभी जा रहे हैं मोबाइल का कवर लेने और नवरात्रि के एक दिन पहले का ये ब्लॉग है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किस टाइप का बाहर का व्यू है। हम लोग दक्षिण गंगोत्री में A1 वाले शॉप पर आ गए हैं। बीच में जो मेरे हस्बैंड मुझे मोबाइल फोन गिफ्ट किए थे ना फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे, तो उसका अभी भी आज भी हम लोग आए हैं, लेकिन हम लोग को जैसा कवर मुझे पसंद था वैसा कवर नहीं मिला है। तो अभी काम चलाने के लिए ट्रांसपेरेंट कवर और सामने स्क्रीन गार्ड को लगवा दिए हैं। तो A1 शॉप में आए हैं, यहीं से मेरा अल्ट्रा S24 जो फोन है ना सैमसंग का न्यू फोन, हस्बैंड यहीं से मुझे परचेस करके गिफ्ट किए थे। तो ये भैया पूछ रहे थे कि कैसी चल रही है आप लोगों की ब्लॉगिंग और भाभी कैसा लगा आपको फोन, मैं बोली अच्छा लगा, तो फिर बोल रहे थे दूसरा और आया है ले लीजिए, तो हस्बैंड बोले अब नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ना सुपेला वाले मार्केट में आ गई हूँ, यहाँ पर हस्बैंड मुझे छोड़ दिए हैं पार्लर में और वो चले गए हैं मेरी सिस्टर के घर पर। तो सुपेला मार्केट में ही ये पार्लर है, तो यहीं पे कुछ टाइम से मैं थ्रेडिंग वगैरह के लिए आ रही थी, तो बस थ्रेडिंग ही बनवाने आई तो साथ साथ में ना हेयर कटिंग भी करवा ली, क्योंकि आज ना वेनसडे था, तो बस मैं हेयर कटिंग भी थोड़ा सा करवा ली क्योंकि थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। और साथ साथ में मैं उनसे
हेयर स्ट्रेटनिंग मैं करवा चुकी हूँ ना 3 टाइम, तो उसी से रिलेटेड मैं पूछ रही थी। तो वो मुझे एडवाइस कर रही थी कि अभी आयुर्वेद का भी नया आया है, आयुर्वेद वाला आप नेक्स्ट टाइम करवाना ऐसे करके, और आपके ऊपर कलर शूट करेगा पूरा हेयर, कॉपर कलर करवा लीजिए। थोड़ा बहुत तो बताते ही हैं पार्लर वाले। सो फ्रेंड्स, जस्ट अभी मैं घर पहुंची हूँ, पार्लर से चले गई थी सिस्टर के घर, लेकिन वो लोग भी थे नहीं, बस खाली मम्मी थी, उसकी सासू माँ थी, चाची सोना, ये दोनों लोग गए हुए थे मार्केट, और लड्डू भी गई हुई थी। तो बस मैं, मेरे हस्बैंड घर आए, और जस्ट अभी मेरे पापा भी आए थे, फोन किए, हम लोग मार्केट में थे तो फोन किए, सत्संग का ना प्रसाद देने के लिए आए थे, तो बोले कि रुकूंगा नहीं क्योंकि शाम में 5 बजे ही आए हैं, राजनांदगांव में सत्संग था, 3 दिन से वहीं थे तो काफी थक गए हैं, तो बोले रुकूंगा नहीं, सिर्फ प्रसाद देने के लिए ही निकला हूं। तो प्रसाद दिए, फिर पापा जस्ट अभी गए हैं, तो वो अभी टाइम आप लोग देख सकते हैं, अभी हो रहा है 10:45 हो रहा है, 10:45, हाँ 10:45 हो रहा है टाइम अभी। तो मैं जा रही हूँ फटाफट पनीर की सब्जी और पराठा बनाऊंगी, हस्बैंड मेरे गए हैं दोबारा से घर आके लड्डू से मिलने गए हैं, क्या तो लड्डू से नहीं मिला हूं, डेली लड्डू से मिलने का कोशिश करते हैं। तो आज घर में ही थे ना, 2 अक्टूबर का ये ब्लॉग है, 2 अक्टूबर, और कल 3 तारीख से नवरात्रि, तो नवरात्रि के आज एक दिन पहले का, 12 बजे के बाद खाएंगे भी नहीं, उससे पहले ही खाएंगे 9 दिन का, क्योंकि फास्टिंग करेंगे। तो बस अभी जस्ट पापा गए हैं, तो मैं जा रही हूँ पहले ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि हेयर कटिंग हुआ है कितना भी ऐसे पैक करके, लेकिन सही नहीं है ना इसी ड्रेस पर खाना बनाना। तो बस ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और इसके बाद फिर बनाती हूँ खाना। ब्लॉग में बने रहिएगा, फोन के लिए भी गए तो आप लोग के साथ शेयर करी, फोन का वैसा कवर नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था, अल्ट्रा S24 का वैसा कवर नहीं मिला है, ऑनलाइन देखेंगे, अभी काम चलाने के लिए लगा ली हूं, क्योंकि गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और सामने का स्क्रीन गार्ड भी। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं फटाफट चेंज करके और इसके बाद लग जाती हूँ खाना बनाने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे पनीर का सब्जी बनाने के लिए मैं ले ली हूँ काली मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च खड़ा वाला खत्म हो गया है, इसके बाद एक छोटे साइज का प्याज है, एक टमाटर है, 2-3 इलायची है, हरी इलायची, 3 लौंग है, थोड़ा सा कर्ण फूल है, और थोड़ी सी दालचीनी है, ढेर सारा लहसुन है, इनका मैं पेस्ट रेडी करूंगी और ऐसी शॉर्टकट जल्दी से बनाऊंगी पनीर का सब्जी। तो सबसे पहले इसको पीस लेती हूँ। यहाँ पे ना बस कुछ देर ही एक ही राउंड बस ना मिक्सी का जार चला है, और इसके बाद तुरंत लाइट ऑफ हो गया, यानी कि इनकम्प्लीट मसाला मेरा पिसाया, देख सकते हैं आप लोग पूरा अंधेरा हो गया। इसके बाद मैं दूसरे मोबाइल का लाइट ऑन करके जो भी सिंक में बर्तन था उसको मैं वॉश कर ली। 2 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर से नवरात्रि है, हस्बैंड खाना नहीं खाएंगे 12 बजे के बाद, और हम लोग मार्केट भी गए थे ना तो काफी टाइम उधर भी निकल गया, और वो अभी घर पर है नहीं, घर आने के बाद गए हैं लड्डू से मिलने, एक बार लड्डू से जरूर जाकर मिलते हैं, तो वहीं पे हैं। फिर मेरा फोन में बात हुआ, मैं बताई घर पर ना लाइट गोल है, जब लाइट गोल है तो खाना बनाने में दिक्कत हो रहा है, और टाइम होते जा रहा है, आई थिंक 11:10 के आसपास अभी टाइम हो रहा है, और काफी बार लाइट गोल हुआ। तो हस्बैंड मेरे आज सिस्टर के घर पे ही खाना खा लेंगे, यानी कि चाची बनाई हुई थी पूड़ी सब्जी, तो वही खिला देगी, बोले कि मैं चाची के घर पे बैठा हूँ तो यही मैं खाना खा लूंगा, चाची बना रही है, तब तक मैं यहाँ पे लाइट ऐसे मोबाइल के लाइट से ही जो भी सिंक में बर्तन था ना वॉश कर ली, गर्मी बहुत लग रहा था और लाइट भी ऑफ था, मसाला भी नहीं पिसा पाया, तो इस समय मैं कुछ भी खाना नहीं बना रही हूँ, बस जो भी था बर्तन वगैरह वॉश कर ली, लाइट का वेट कर रही थी। कुछ टाइम के बाद का क्लिप है फ्रेंड्स, जैसे ही लाइट आया है फटाफट सबसे पहले मैं मसाला पीस ली हूँ, ताकि ना मैं मोबाइल के लाइट से भी बना लूंगी, क्योंकि बार बार लाइट ऑफ हो रहा था, मुझे नहीं मालूम क्या प्रॉब्लम था, हम लोग फोन भी नहीं किए थे, कोई ना कोई तो फोन किया ही होगा कॉलोनी से, लेकिन हम लोग फोन नहीं किए हुए थे, इसी सिचुएशन में मैं आज खाना बनाई हूँ, क्योंकि नवरात्रि भी था और फिर मेरा प्लान था कि पनीर का सब्जी बनाऊंगी, तो हस्बैंड तो अब खा लिए चाची के यहाँ पे खाना, यानी कि सोना की चाची सास है ना उनके यहाँ पर खाना, ये मैं पनीर घर पर बनाई थी, बहुत अच्छा सॉफ्ट बना था, वही आप लोग को दिखाकर बता रही थी। तो फटाफट पनीर कट कर ले रही हूँ, और इसके बाद देखिए फिर से लाइट ऑफ, लाइट गोल में ही पूरा बना ली फ्रेंड्स, लाइट गोल के कारण आप लोग के साथ ना शेयर नहीं करी, क्योंकि बार बार लाइट ऑफ हो रहा था, तो मैं एक हाथ से फोन का लाइट चला के धीरे धीरे बना ली,
और देर हो रहा, हस्बैंड अब मेरी ना मतलब हस्बैंड मेरे ना खाना सोना के घर पे ही खा लेंगे। वो लोग भी मार्केट से आए थे ना, तो मैं सोची थी वो लोग परेशान ना हो, इसके लिए मैं फटाफट बना रही थी कि घर पर खाएं, तो वहीं पे हैं, तो अभी मुझे फोन करके बोले कि देखिए सब्जी बन रहा है, कि क्या बोलते हैं मैं खा लेता हूँ यहीं, क्योंकि 12 फिर बच जाएगा। ये है फ्रेंड्स सब्जी, काजू पेस्ट नहीं डाली हूँ इसीलिए कलर थोड़ा ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ अलग अलग बनाना चाहिए जिससे ज्यादा अच्छा टेस्टी बनता है। तो ये मसाला अभी फ्राई कर रही हूँ, और फिरोजन मटर है, बट थोड़ा सा ना मटर मुझे हार्ड जैसा लगता है, इसलिए मैं ना मसाले में ही डाल दी कि थोड़ा सा कुक हो जाए, 50% 60% कुक हो जाए। और ये मैं पनीर को फ्राई करके रखी हूँ, घर में ही मैं बनाई थी फ्रेंड्स पनीर, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा, एकदम स्पंजी। फिर से लाइट गोल हो गया फ्रेंड्स, आज एकदम तंग कर दिया मुझे लाइट, गर्मी से मैं खुद पसीना पसीना हो रही हूँ। अभी तक क्लचर लेके देखो, बाल में ना नहीं लगाई हूँ, लेकिन दिख रहा है ना मेरा फेस, एक लाइट ऐसे जला के देख रही हूँ। तो फिर मैं वैसे ही बना ली, पराठा बनाती, लेकिन आटा मैं रख दी, नहीं सानूंगी, सुबह का चावल है उसके साथ मैं खा लूंगी, क्योंकि सिर्फ मुझे ही खाना है, हस्बैंड तो मेरे वहीं से खा लिए, फोन में अभी जस्ट करके बताई कि लाइट आ गया है, अब आप आ जाओ, और मना भी की थी आने से कि आओगे तो आपको भी गर्मी लगेगा, और फोन करके बताई, और अभी फिर से लाइट गोल हो गया, पूरा लाइट ऑफ है, पूरा स्ट्रीट लाइट ऑफ है, बाहर में देखे ना पूरा विंडो ओपन, पहले तो था कि कुछ फेस गोल है कुछ फेस है, बट पूरा ही गोल है, तो चलिए ब्लॉग में बने रही है। सो फ्रेंड्स सब्जी बन चुका है, और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा कलर आया है, और काफी अच्छा खुशबू भी आ रहा है, लेकिन यही है कि हस्बैंड नहीं खा सकते, क्योंकि वो तो खा लिए सोना के घर। तो ये सब्जी बन चुका है, बस इसको एक बर्तन में शिफ्ट करूंगी, थोड़े बहुत और बर्तन निकले सिंक में वो वॉश करूंगी, और ये स्लैब वगैरह क्लीन करूंगी, मतलब पूरा अच्छे से क्लीन करूंगी। दूसरे फोन से लिया हुआ क्लिप है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, किचन वगैरह क्लीन करने के बाद रोटी और पनीर का सब्जी, बस खाने में यही था और यही मैं अभी खा रही हूँ। दूसरे फोन से इसलिए ली हूँ फ्रेंड्स, लाइट गोल की वजह से ना मेरे फोन में भी चार्जिंग नहीं था, तो उस फोन को चार्जिंग पे लगा दी हूं। कल है, मतलब कल से है फर्स्ट नवरात्रि, ब्लॉग तो मेरा आई थिंक 2 दिन लेट जाएगा आप लोग के पास, तो कोशिश करूंगी अभी पूरा किचन अच्छे से क्लीन करने का, फिर सुबह अगर जल्दी उठ गई तो फिर जल्दी उठकर झाड़ू पोछा ये सब करूंगी, क्योंकि हस्बैंड फास्ट रहेंगे, तो भगवान जी को भी एक बार सुबेरे अच्छे से क्लीन करके पूरा अच्छे से जमा दूंगी, उसके बाद वो पूजा कर लेंगे, और कल हम लोग को जाना होगा मंदिर भी। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में ये सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्या कैसे करूंगी वो सब कुछ शेयर करूंगी। ये ब्लॉग अगर थोड़ा भी पसंद आए, कहीं पे भी कुछ भी पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और एक लाइक जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, टाइम मिले तो कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग में, बाय बाय, खुश रहिए मस्त रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।